चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ। अगर हम बात करें आज और कल, चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब में भी मौसम जो है उसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी कई जगह पर जो है वो बातचीत की है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट शिविंदर जी हमारे साथ हैं। शिविंदर जी, क्योंकि मौसम में लगातार तब्दीलियां देखने को मिल रही, आज भी चंडीगढ़ की अगर हम बात करें या पंजाब की बात करें, मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव है। सुबह बारिश भी हुई थी, किस तरह से आने वाले दिनों में मौसम रहेगा? देखिए, जो मेनली हमारा आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस हैं। उसी के साथ पंजाब में भी कुछ एक दो जगहों पे हल्का थंड और हल्की लाइटनिंग के चांसेस हैं। ज्यादा लाइटनिंग के चांसेस पंजाब में भी नहीं है, पर मेनली जो हमारा एक्टिविटी रहेगी आने वाले जो 24 घंटे उसमें हरियाणा में रहेगी। उसके बाद हमारे रीजन पे से रेनफॉल एक्टिविटी में काफी कमी देखी जाएगी। अगर हम बात करें सर चंडीगढ़ पंजाब में, अभी मॉनसून एक्टिव है या फिर अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? देखिए, पिछले जो कुछ दिनों से जो है हमारा मॉनसून की जो रेनफॉल है उसमें काफी चंडीगढ़ में ऑल दो हम डेली रेनफॉल कुछ ना कुछ देख रहे हैं, पर कल जो अच्छी धूप निकली हुई थी। पर आने वाले दिनों में जैसे हमारा 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, हमारा नॉर्दर्न पार्ट्स एडजॉइनिंग पंजाब और जो हरियाणा के हैं उसमें हमारा लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस बने रहेंगे। कोई इसके बारे में कोई अलर्ट नहीं है, बट स्टिल हमारा थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, यानी कि आज के दिन और कल के दिन तक। सर, अगर हम बात करें जो पहाड़ी एरिया है उनसे सटे जो पंजाब के या हरियाणा के एरिया हैं, वहां पर कुछ रेनफॉल हो सकती है क्योंकि मैदानों में? अब मेनली लाइट, मैंने बताया को लाइट थंडर और लाइट टू मॉडरेट थंडर का ही है, वार्निंग कोई पंजाब के लिए कोई बड़ी वार्निंग नहीं है। थोड़ा बीच में एक आध जगहों पे थंडरस्टॉर्म का हमने जो वॉच के लिए डेफिनेटली बोला हुआ है, पर मेन एक्टिविटी जो हमारे अगले 24 घंटों का जो भी हमारा अलर्ट या जो भी हमारी वार्निंग है वो मेनली जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, जिसमें आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स जो है उनके लिए ही हमारी जो मेन वार्निंग वहीं के लिए है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें सर, पंजाब की बात करें, तो टेम्परेचर में कितनी कोई गिरावट हुई है या फिर बड़ा है? ये टेम्परेचर अभी जैसे हम जैसे कल हमारा जो दिन का तापमान बढ़ा था, हम आज दो दिनों में हमारा जो टेम्परेचर नियर नॉर्मल है, थोड़ा बिलो नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। उसके बाद अगेन हमारा जो टेम्परेचर में राइज देखने को मिलेगा। क्योंकि सर ये पूरा महीना अगर किस तरह से देखते हैं कि बारिश ज्यादा हुई है या पहले से मुकाबले जरा है जो एक्टिविटी कम? देखिए, सितंबर में मेन हमारी बारिश हुई है, पर जो हमारी बारिश कंसंट्रेटेड ज्यादातर रही है वो हमारा सदर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा में कंसंट्रेटेड रही है। चंडीगढ़ में भी हमारा ऑन एंड ऑफ डेली ऑलमोस्ट जो है बारिश का सिलसिला जारी था, पर मेन रेनफॉल एक्टिविटी हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा में मैक्सिमम वहीं पे रही है। सुंदर जी, कब तक जो मौसम में बदलाव या फिर जिस तरह से आने वाला है, क्योंकि कभी धूप होती है कभी एकदम बारिश हो जाती है, तो आने वाले दिनों में कब तक जो है वो मौसम जो है? देखिए, अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, पर दो दिन में थोड़ा हमारा क्लाउडीनेस भी कंटिन्यू करेगी। कल के बाद, कल दोपहर बाद या कल शाम के बाद से हमको थोड़ा जो क्लाउडीनेस में कमी देखने को मिलेगी और रेनफॉल एक्टिविटी में भी थोड़ी सी हमको कमी देखने को मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में से मौसम साफ जो है वो रहने वाला? हाँ, साफ होने के चांसेस हैं। आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, मतलब रेनफॉल एक्टिविटी को भी कंप्लीट बंद नहीं होगी, कुछ छिटपुट इलाकों में ही बारिश सीमित रहेगी। तो बिल्कुल जैसे मौसम विभाग जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कई जगह, हालांकि जो सर्टन हरियाणा के पार्ट्स है वहां पर रेनफॉल एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में छुटपुट आज आने वाले 24 घंटों में, या चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब के कई जिलों में बात करें, मौसम इसी तरह सुहावने रहने वाला है, लेकिन उसके बाद यानी कि कल के बाद जो काफी अच्छा मौसम जो है वो रहने वाला है, जो हालांकि आइसोलेटेड की बात की जा रही है, लेकिन इस महीने की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं पिछले दिनों में पंजाब की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें या खासतौर पर हरियाणा की बात करें, उसमें रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।